नमस्कार, राहुल शर्मा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। कोरोना वायरस, अगर ये कहें कि अब तक का सबसे खतरनाक वायरस, तो गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। होली में इस्तेमाल किए जाने वाली ज्यादातर चीजें चीन में बनती हैं, जैसे रंग, पिचकारी और भी बहुत सारी चीजें। ये प्लास्टिक और पॉलीमर से बनती है और चीन में एक जगह है हुनाई। हुनाई कोरोना वायरस का गढ़ है, इसलिए वहां बनने वाली चीजों के इस्तेमाल से कोरोना वायरस हो सकता है। इसलिए चीन में बनने वाली इन चीजों को इस्तेमाल इस होली न करें। इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया है। इससे पहले आपको बता दें, कोरोना वायरस ने चीन के बाद अन्य देशों में भी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। इसकी चपेट में अब तक करीब 86,000 लोग आ चुके हैं। इस खतरनाक संक्रमण से दुनिया में करीब 2900 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चीन में 79,824 संक्रमित लोगों में से 28,070 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें ज्यादातर लोग हुबई के मध्य प्रांत से थे। कई लोगों ने मीडिया दरबार से यह सवाल किया कि क्या कोरोना वायरस चीनी सामान खरीदने या इस्तेमाल करने से फैल सकता है। इस पर हमने गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एससी चेतल से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जैसे होली नजदीक है, तो क्या किसी प्रोडक्ट के माध्यम से, जैसे लोग कह रहे हैं कि चाइना से आप जो चाइना की जो पिचकारियां आती हैं वो ना लें, रंग ना लें, चाइना के जो भी प्रोडक्ट है, क्या सर बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी प्रोडक्ट के माध्यम से ये ऐसा कुछ है कि प्रोडक्ट के माध्यम से ये आ सकता है किसी में? नहीं, मैं तो समझता हूँ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जैसे आपको डॉक्टर मनोज ने इस विषय में बताया कि जब तक हमारा पेशेंट से कांटेक्ट नहीं होता तब तक ये इतना हमको नहीं मिल सकता। और हाँ, जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग हमारे पास में आते हैं या वो पेशेंट रहे हैं और हमारा पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि कुछ प्रिकॉशंस लेनी है कि हम खांसे तो अपने मुँह पर हाथ रखें या कोई कपड़ा रखें, और हमें अगर एक्टिव जुकाम है तो हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट तुरंत लें, प्लस भीड़ भड़के वाले एरियाज़ में ना जाएं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और हाँ, जितने भी ये सब वीडियोस आ रही हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि उसका जो भी कंटेंट है वो कितना फैक्चुअल है, कितना सच्चाई है उसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम अपने नाम से बना के अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो वो सही नहीं होगा। तो इसलिए मेरी इन सब लोगों से यही राय है कि या तो वो डॉक्टर की राय को फॉरवर्ड कर सकते हैं या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है, उसको कर सकते हैं। और अगर वो ना भी करें तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है वो अखबारों में और सब जगह में अवेलेबल है, प्लस हमारे पास में भी आ सकते हैं, अस्पतालों में, सब जगह पे हमारे सोशल वर्कर्स भी हैं और बाकी स्टाफ भी हैं, वो आपको गाइड करेंगे। साथ ही WHO ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस लगाया है, उसके मुताबिक चीन से आने वाला सामान सेफ है, उनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस नहीं होगा। और भी कुछ अफवाहें फैली हैं जिन्हें WHO ने साफ किया है। क्या हैंड ड्रायर कोरोना वायरस को मारने में प्रभावी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, क्या आपके शरीर में अल्कोहल और क्लोरीन का छिड़काव कोरोना वायरस को मार सकता है? इस पर WHO ने कहा नहीं, ये नहीं मार सकता। तीसरा सवाल, क्या चीन से पत्र या पैकेज प्राप्त करना सुरक्षित है? हाँ, ये सुरक्षित है। चीन से पैकेज प्राप्त करने वाले लोगों में नए कोरोना वायरस के अनुबंध का खतरा नहीं है। और भी कई सवालों के जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिए हैं। आप WHO की वेबसाइट पर जाकर अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप खोलकर पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।